में पेपर लीक मामले के बाद बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि कानून बनाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून बनेगा, उसके बाद उस तरह की घटनाएं नहीं होगी बिहार में। बिहार ही नहीं, देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है या केंद्र के स्तर पर राज्य के स्तर पर बिना पर्चा लिखे कोई परीक्षा होता ही नहीं है, और नीट कांड ने देश को हिला दिया है। जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको आघात पहुंचा है, धक्का पहुंचा है। जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुरू में ही इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा था, नकारा था, बाद में जाकर करके इन चीज़ों को स्वीकार करने की साहस दिखाई। शुरू में ही अगर देश के शिक्षा मंत्री इसको गंभीरता से लिए होते तो देश के अंदर इतना बच्चों में असंतोष का भाव नहीं आता। 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपया दे करके जो लोग नीट में जा रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, पास करेंगे एक ही रूम। हम लोग याद करिए, हम लोग बहुत पहले कहते थे कि एक ही कमरा, एक ही सीरीज, एक ही सेंटर पर आखिरकार क्यों उत्तीर्ण हो रहे हैं लगातार बच्चे। प्रथम दृष्टया में शंकाएं पुष्ट करती है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना हेरा फेरी है, कहीं गड़बड़ है। और देश बिना पर्चा लीक कोई काम नहीं हो सकता। जब सरकारी चाहते पर्चा लीक तो कौन रोकेगा भाई? कानून बन रहा है यार, कानून बन रहा है, रोज बनाते हैं कानून। इसके पीछे भी इनकी मंशा है बचाने का। ये कानून क्या बनाएंगे? आज तक जितना ये कानून बनाया, कानून को थोड़ा बालका करने के बाद तो कानून बना क्या हुआ? कानून का फिर हो गया 100 लड़कियों के साथ, क्या है भाई? एक एक कोना है कहीं जहां भ्रष्टाचार है, जहां अपराध रहित से चढ़ करके बोल रहा है। भाजपा मुक्त हुए बगैर बिहार में अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। भाजपा बड़ू और मजदूर लोग को संरक्षित कर रही है। एक तरफ नीट नीट के परीक्षा के पत्र लीक हो रहे हैं, हेरा फेरी हो रहा है, दूसरा बिहार अपराधियों के चपेट में है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ, जाकर के हिम्मत जुड़ा करके थाने में जाकर करके लड़कियां अपनी आप बीती सुना रही है, सेंटर होम का इन्होंने शिक्षा नहीं लिया है, कैसे नाक के नीचे हो रहा है जी? नाक के नीचे कैसे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है? कैसे संस्थागत कैसे लड़कियों का शोषण हो रहा है भाई नौकरी के नाम पर? अब क्या कर रहे हो? नीट में तार गुजरात से जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ? तो जांच करेंगे तो सीबीआई जांच की बात हो रही थी, कहाँ सीबीआई जांच इसको करने के लिए को तैयार हो रहा है भाई? हम लोग पूरे तौर पर कह रहे हैं ना, ये कैसे कानून होनी चाहिए ना कि फिर कोई साहस ना दिखाए प्रश्न पत्र लीक मामले में, पर्चा लीक मामले में। क्या मजाक बना कर रख दिया देश को भाई? भाजपा मुक्त हुए बगैर देश में पर्चा लीक मुक्त नहीं हो सकता।